आपके मुर्शिद को पसंद आ गया, मुर्शिद पावरफुल होता है। अगर उसका मुरीद उसको सीढ़ी में बुलाए तो वो जहाँ है वहाँ सुनता है, कचोचा में तो कचोचा में सुनता है, बरेली में तो बरेली में सुनता है, और अगर बगदाद में तो बगदाद में सुनता है, मानते हैं ना। अगर विक्रोली में उसने हक कहा और मुर्शिद को पसंद आ गया, तो मुर्शिद ने अगर आपकी आवाज सुन ली दिल से तो आपकी तो निजात होगी। तो पलंग नवाज से कहेंगे, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, रब रब करके पुत्ते हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब रब करके पुत्ते हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज कुराना लगा सजदे कर कर हारे, रब दा खोज कुराना लगा सजदे कर कर हारे, रब दा तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, रब दा तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, मुल्ले शान मौन मौन जतीर तू तन मन बार, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका ये लिखे हुए अशार है। वो फरमाते हैं कि अगर अपने पीर को आपने अपना तन मन वार दिया है तब आपको अल्लाह मिला। रब रब करके पुटे हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज कुराना लबा सजदे कर कर हारे, रब दा तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, मोहल्ले में देखा होगा किसी का झगड़ा होता है तो जितनी अंदर की आखिरी आवाज है उस आवाज से लोग गाली देते हैं। यहाँ नहीं होता है, बहुत अजीब अजीब गाली। माशाल्लाह फरमाया सरकार ने कि गाली देना बड़ा गुनाह है और अल्लाह का जिक्र करना बड़ा सवाल है। जब अल्लाह का जिक्र हो तो हमारी आवाज में कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं ना, कोई तो चलो अपनी अपनी घटी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको अल्लाह ने जितनी आवाज दी उतनी आवाज से हक पे बोलना, यकीन मानिए ये हक पे बोलना भी आपका बहुत बड़ा मकबरा है। मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, जिन्होंने ये लिखा है तू सो रहा है, उठ मस्जिद में झाड़ू लगा। आज झाड़ू जबकि मस्जिद में झाड़ू लगाना मतलब हर झाड़ू के बदले आपको जन्नत की जमानत।
मस्जिद की खिदमत करेंगे आप। मस्जिद को आप माशाल्लाह यहाँ में आया, मस्जिद बहुत अच्छी है। इस मस्जिद को आपने खूबसूरत बनाया, इसकी जितनी खिदमत करेंगे आपके कब्र में उजाला होगा। उठ भरी उठ फरीदा सुनती आती हूँ मेला वे कर जा।